हम आपको लेके हैं सेक्टर 7 रोमनी की अमेजिंग लोकेलिटी बनी हुई 2 BHK अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है। बात करें इस प्रॉपर्टी की तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के लिविंग रूम में है, तो जैसा आप देख पा रहे हो वहां से हमारी लिविंग रूम की एंट्री है ना, आपकी प्रॉपर्टी की एंट्री है। इधर की तरफ आपको मिलाकर बालकनी एक्सेस, अभी आपको एलईडी पैनल और ये सारे का सारा स्टोरेज कंपार्टमेंट का स्क्रीन डिजाइन किया गया है। एंड ये जो है यहाँ पे आपकी आ जाती है इस प्रॉपर्टी की किचन। ये जो प्रॉपर्टी है ये 10 से 12 साल पहले इसमें काम किया गया था, आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेनोवेट कर सकते हैं। और एक खास बात ये है कि अभी जो किचन की जो स्पेस है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे, आप इसके अंदर ऑल्टरेशन कर सकते हैं, इस दीवार को आप आगे एक्सटेंड करने का प्रोविजन दिया, तो आपकी किचन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। ये इस प्रॉपर्टी का बेडरूम नंबर 1 है। ये बेड बैग आ जाती है आपकी, जैसा इसका ओल्ड जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, यहाँ पे इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पे इसमें ये बेड बैग बनाई गई है जो कि एक बहुत ही बढ़िया लुक दी गई है। और ये सामने आ जाता है आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट जो कि पुराने टाइम के हिसाब से काम किया गया है। आप चाहे तो इसको एलईडी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से रेनोवेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी बालकनी की तरफ। ये इस प्रॉपर्टी का बालकनी व्यू, इसका बालकनी व्यू बहुत अमेजिंग है। सामने आपका पूरा का पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उस तरफ से आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू मिलता है, पूरा का पूरा रेजिडेंशियल व्यू मिलता है, बहुत बढ़िया ग्रीनरी मिलती है आपको। और ख़ास बात यह है कि आप इस बालकनी को ना बहुत सही तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे वो सामने वाली प्रॉपर्टी में किया गया है। आप वो देख पा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, तो आप चाहें तो आप इसके बालकनी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक रूम और डाल सकते हैं, मतलब एक और रूम डालने का प्रोविजन है। आप चाहें तो यहाँ पे एक वॉशरूम डाल सकते हैं, फिर भी आपको अगर बालकनी में बैठने का, बालकनी घर को एंजॉय करने का शौक है तो आप इसको ऐसा बालकनी भी रिटेन कर सकते हैं। 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिल जाएगा M2 के रूम में। पास में आपको मिल जाएगी यहाँ की सेंट्रल मार्केट। इस तरफ भी पूरे की पूरी रोड पे मार्केट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। एंड इस तरफ भी यहाँ पे आपको पूरी की पूरी सेक्टर 7-8 की डिवाइडिंग रोड मिल जाएगी, जो कि बहुत ही फेमस यहाँ की सेंट्रल मार्केट है, जहाँ पे सभी सारे ब्रांड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, यहाँ पे फूड मार्केट है, सभी तरह की फैसिलिटीज हैं। यहाँ से 300 मीटर से वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा आपको दीपाली चौक का मेट्रो स्टेशन, जिसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, साल भर के अंदर वो मेट्रो स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड अब हम चलेंगे और देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बाकी सारे प्लेसेस। ये आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी का वॉशरूम। एंड वॉशरूम के लिए यहाँ पर लुकिंग मिरर एंड वॉश बेसिन दिया गया है, WP दिया गया है, और नीचे उसको दी गई है वैनिटी। अब हम आ गए इस प्रॉपर्टी के बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये हमारा इस प्रॉपर्टी का बेडरूम नंबर 2 है। ये पूरा इस वॉल के ऊपर यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं, वार्डरोब बनाई गई है, लुकिंग मिरर दिया गया है। ये पहले जैसा है, जिस कंडीशन में फ्लैट था वो मेजरिटीज आपको दिखा रहे हैं। प्लस अब आ जाते हैं ये एरिया जहाँ पे पहले यहाँ पे क्वीन साइज बेड लगा हुआ था, तो आप इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं 2.5 BHK प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको यहाँ पे लगभग एक बेडरूम का साइज तो नहीं कह सकते हैं, बट मोर देन हाफ साइज का एक बेडरूम मिल जाता है, जिसको आप किड्स रूम की तरीके से यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका एक क्वीन साइज बेड लग जाएगा। फर्दर आप चाहें तो इस जगह को एक और वॉशरूम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इधर की बालकनी की तरफ। ये इस प्रॉपर्टी की बालकनी नंबर 2 है। अभी हमने फ्रंट से बालकनी देखी, अब हम बैक से बालकनी देख रहे हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी की खास बात है कि आपको 2 व्यू मिलते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पार्क साइड व्यू है, ये सोसाइटी का, इस लोकेलिटी का वेल मेंटेन पार्क है। जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, तो इट्स अ किड्स प्ले एरिया। ऑल्सो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ पे सुबह और शाम यहाँ पे वॉकिंग को और अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो ये सीनियर सिटीजन पार्क भी है और बहुत ही बढ़िया मेंटेन पार्क है यहाँ का। एंड लिविंग रूम की भी यहाँ से, जो मैंने कहा था ना बालकनी का एक्सेस दिया गया, वो यहाँ से आपका लिविंग रूम का एक्सेस आ जाता है। सो इस प्रॉपर्टी का आस्किंग प्राइस है 85 लाख। तो जैसा मैंने कहा था अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है, वो मैंने इसलिए कहा था कि इतनी अमेजिंग लोकेलिटी में इस बजट के अंदर आपको इतनी स्पेशियस प्रॉपर्टी इजीली नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी में लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। गाइस अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा और कॉन्टेंट लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ।